नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टेबल कामनी का ये पौधा दिखा रहा हूँ। छोटा सा मैं ये प्लांट लेके आया था और अब देखिए ये प्लांट कितना घना बन गया है। इसका एक मैच्योर प्लांट हमें 200 से 250 रुपए में मिलता है और मैं इस प्लांट को केवल 50 रुपए में ख़रीद कर लेके आया था। अब बरसात के सीज़न में ये प्लांट देखिए कितना घना बन गया है। टेबल कामनी का छोटा सा पौधा मैं 50 रुपए में ख़रीद कर लेकर आया था और अब देखिए ये पौधा कितना हेल्दी हो गया है। अब इस समय यदि आप इस प्लांट को नर्सरी से ख़रीदोगे तो कम से कम हमें 150 से 200 रुपए में मिलेगा। यदि और भी ये प्लांट घना बन जाता है तो इसका प्राइस बढ़ता जाता है। आप नर्सरी जाते हैं तो इनके छोटे छोटे पौधे ही ख़रीद कर लेकर आएँ ताकि वे हमारे बजट के अकॉर्डिंग रहें। यदि हम इनके बड़े साइज़ के पौधे ख़रीदेंगे तो हमें 200 से 300 रुपए में मिलते हैं। टेबल कामनी का ये पौधा हमें नर्सरी में महंगा मिलता है क्योंकि हम पौधों की बोनसाई बनाते हैं तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस प्लांट में नेचुरली ही अपने आप ही बोनसाई शेप बन जाती है, इसीलिए हमें ये प्लांट महंगा मिलता है और इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही धीरे धीरे होती है। टेबल कामनी के इन पौधों की गर्मी के मौसम में हमें अधिक देखभाल करनी पड़ती है। जब हम इन प्लांट्स को टोटली इंडोर रख देते हैं तो इनके पत्तों की चमक कम हो जाती है। यदि हम इन प्लांट्स को सनलाइट प्रोवाइड कराते हैं तो इनके पत्ते बर्न होने लगते हैं, इसलिए ये प्लांट एक प्रॉपर लोकेशन ना मिलने के कारण सूखने लगता है। यदि आप इस प्लांट को गर्मी के सीज़न में बचाकर रखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसी जगह रखें जहां खुली हवा इसको मिलती रहे और ये पौधा अधिक सनलाइट से बचा रहे। हल्की फुल्की फिल्टर्ड सनलाइट इनके पत्तों पर गिरती रहनी चाहिए। हमें इस प्लांट में ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। जिन प्लांट्स की धीरे धीरे ग्रोथ होती है उनको कम पानी की आवश्यकता होती है। यदि आप इस प्लांट में हर रोज़ पानी डालोगे तो ये पौधा ओवर वाटरिंग की वजह से सूख जाता है, इसलिए आप इस प्लांट की वाटरिंग का विशेष ध्यान रखें। सर्दी के सीज़न में इसके पत्ते झड़ने लगते हैं। यदि आप इस प्लांट के पत्तों को झड़ने से बचा पाओ तो ही इस प्लांट को रखो, नहीं तो ये प्लांट सुंदर नहीं दिखाई देता है। इसके पत्तों की सुंदरता के कारण इसे गार्डन में लगाया जाता है, इसलिए आप इसके पत्तों का विशेष ध्यान रखें। यदि इनके पत्तों पर किसी भी प्रकार के इंसेक्ट का अटैक हो जाता है तो आप इनके ऊपर एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करते रहें। इस प्लांट में हमें ऐसी मिट्टी तैयार करनी है। इस प्लांट को आप ऐसी मिट्टी में लगाइए जो वेल ड्रेन्ड हो, जिसमें एक्स्ट्रा पानी ना ठहर पाए। जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो वो जल्दी ही बाहर निकल जाना चाहिए। टेबल कामनी के इस प्लांट को आप बड़े साइज़ के गमले में ना लगाएं। इस प्लांट के लिए मैक्सिमम 8 इंची साइज़ का गमला काफ़ी रहता है। इंडोर डेकोरेटिव प्लांट के रूप में आप इसको लगा लीजिए और इसको ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह सुबह की हल्की फिल्टर्ड सनलाइट इसके पत्तों पर गिरती रहे। यदि इस प्लांट को एक अच्छी लोकेशन मिल जाएगी तो ये प्लांट कई सालों तक आपके गार्डन में बना रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।